यासीन मलिक, आर्टिकल 370 और बिट्टा कराठे, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। आसिया अंद्राबी, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। दोस्तों, कश्मीर में रहने वाली पत्रकार याना मीर ने यूके की पार्लियामेंट में कहा है कि पाकिस्तान सरकार ने हमेशा इंडिया और कश्मीर के बारे में झूठ बोला है और इंडिया ने हमेशा कश्मीर का विकास करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप देखते हैं याना मीर कश्मीर के बारे में क्या कह रही हैं। याना को सभी लोग जानते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और टीवी चैनल्स पे भी हमें नजर आती हैं, और ऑब्वियसली कश्मीर से हैं तो हम याना से कश्मीर पे ही बात करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया याना कि आज आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर व्यूअर्स एंड टू यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। अब याना मुझे ये बताइए कि जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो बहुत टाइम से हम ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ, जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, एक टेंशन सी बनी रहती है, लेकिन आप वहाँ कश्मीर में होती हैं, आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कश्मीर का और वहाँ पे लोगों का, स्पेशली वहाँ की यूथ का क्या फ्यूचर है? क्या वो इसी तरह से यही देखते रहेंगे कि एक टेंशन बनी हुई है, कभी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं 370 पे और कभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ कहा जा रहा है कश्मीर के ऊपर, और एक अजीब किस्म की, जिसे हमेशा मैं कहती हूँ, एक टेंशन सी बनी हुई है। तो आपको लग रहा है कि वहाँ की यूथ जो है वो क्या सोच रही है और क्या कर रही है इस बारे में? यूथ जो है ना, वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है ना। अनलाइक जो हमारे हमसे पहले जो जनरेशन था, उनको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया, उनकी इमोशनल स्टेट को यूज किया गया, उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनकी मतलब उनको फूल किया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। मगर जो आज की जनरेशन है, वो मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंट होती जा रही है। सो दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम। सो फॉर एग्जांपल, आज की यूथ, इट वी नो कि यासीन मलिक, आर्टिकल 370 और बिट्टा कराठे, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। आसिया अंद्राबी, ये सब हमारे किसी काम के नहीं। ये सब बस हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी फैलाते हैं, ये सब बस एक ये जुमले बन के रह गए हैं, एंड वी हैव रियलाइज कि इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, लेकिन बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से आर्टिकल 370 गोइंग, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ के दहशतगर्द थे, बिकॉज वो जेल में चले गए हैं, बिकॉज आर्टिकल 370 का फाइनली एब्रोगेशन हो गया है, तो पिछले 2-3 सालों में यूथ जो है वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ऑन प्रैक्टिकल इश्यूज, जैसे कि जॉब्स, ड्रग्स मेनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट लाइन्स, इन चीजों पे यूथ का ध्यान जा रहा है। और ध्यान जा रहा है, इसका मतलब कि दे आर अवेयर कहाँ पे फॉल्ट लाइन्स हैं, और इवेंचुअली दे विल बी अवेयर कि इनको ठीक कैसे करना है। दे आर वर्किंग ऑन सोल्यूशन, दे आर वॉइसिंग, आज भी प्रोटेस्ट होती हैं, आज भी आवाजें उठती हैं, मगर किस लिए? नॉट फॉर आजादी एंड ऑल दैट नॉनसेंस। आज का यूथ समझता है, पढ़ा लिखा यूथ है, और कश्मीर के बाहर भी हम में से बहुत सारे हैं जो कश्मीर के बाहर पढ़ के आए हैं। सो वी आर अवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ फ्री कंट्री। सो एक फ्री कंट्री से आजादी मांगने में कोई सेंस ही नहीं है। तो आज का जो यूथ है, वो करता है काम, वो प्रोटेस्ट करता है, वो आवाज उठाता है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, नौकरियों के लिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, तो इन सब चीजों के लिए, महंगाई के खिलाफ, इन सब चीजों के लिए वो आवाज उठाता है। सो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर कश्मीर, बिकॉज द यूथ ऑफ कश्मीर इज फाइनली अवेयर। लेकिन आप क्या समझती हैं याना कि क्या चीज ऐसी रही या क्या फेलियर रहा जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर का कोई हल नहीं निकल पाए? सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से भी आप क्या समझती हैं कि क्या कमजोरी रही जिसकी वजह से आज तक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है पाकिस्तान और ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया ने तो शुरू कर दिया है कश्मीरियों को एज ह्यूमंस देखना, ठीक है ना, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझने लगा है और उस पे काम भी करने लगा है। मगर पाकिस्तान अभी भी जो है कश्मीरी को एज ह्यूमन नहीं देखता, एक एक जियोपॉलिटिकल पपेट की तरह देखता है जिसको यूज कर सकता है। एक कश्मीरी इंसान से ज्यादा, उसकी फीलिंग से ज्यादा, वो क्या चाहता है उससे ज्यादा पाकिस्तान फोकस करता है एक
नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस ने बोला डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड है। अरे कश्मीरी चाहता है क्या कि यहाँ पे डिस्प्यूट रहे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे? कौन सा कश्मीरी चाहता है? कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े भाई, प्रोग्रेस हो हमारा भी, इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह हम भी आगे बढ़े, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सुधार हो, यहाँ पे जो है जैसे मैंने वो जो इश्यूज आपको बोली है डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पे जॉब्स की किल्लत है, नौकरियों की किल्लत है, बहुत सारी चीजें हैं। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, मैं नहीं कहती कि नहीं, कोशिश कर रही है, मगर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उनकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, मगर उनकी प्रॉमिसेस, जैसे ये भी तो ऐलान किया ना अमित शाह जी ने कि बहुत जल्दी स्टेट हुड रिस्टोर होगा, अभी तक हुआ नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि इतनी लाख जॉब्स होंगी, 7 लाख जॉब्स, ये वो, फिर वो पैकेजेस का ऐलान करते रहते हैं, हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। फिर वो ये भी कहते रहते हैं कि ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब वो कहते रहते हैं, मगर आज भी आप देखो सिविलियंस आज भी टारगेट बन रहे हैं। नॉट ओनली सिविलियंस, इवन पुलिस वाले टारगेट बन रहे हैं। तो जो जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो पूरे तो हो नहीं, मगर हमें इतना पता है कि इंटेंशन ठीक है। और यूथ को भी अब वो जोश है यूथ के अंदर कि जो जो उनके राइट्स हैं वो उसके लिए आवाज उठाएं, जो वो कर रहे हैं। तो आई एम सीइंग कि थिंग्स आई हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस एब्रोगेशन, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ऑल्दो हमने अपनी मंजिल अभी तक पाई नहीं, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, और जैसे जो आपका सवाल, आई एम सॉरी आई गॉट लॉस्ट इन माई ओन वर्ड्स, आपका सवाल ये था कि रेजोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, कोई हल क्यों नहीं निकला? वो इसलिए कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग अब उनकी एस्पिरेशन क्या है, वो क्या मांग रहे हैं। तो आप जबरदस्ती इस डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को क्यों जिंदा रखना चाहते हो, जब कश्मीरी खुद आगे बढ़ना चाहते हैं इन सब चीजों को भुला के? वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। हर बार एक यूनाइटेड नेशंस, जैसे मैंने कहा नॉन लिविंग इनएनिमेट थिंग है वो, एक ऑर्गेनाइजेशन इन नॉन लिविंग थिंग, और कश्मीरी तो जिंदा इंसान है। जिंदा इंसान के एस्पिरेशन देखो क्या है, नहीं। लेकिन आपको फोकस करना है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में क्या बोलता है कश्मीर, मतलब यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, कश्मीरी कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं। यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इस पे बड़ा तवज्जो देता है पाकिस्तान। ये रीजन है कि आज तक जो आप कहते हो ना डिस्प्यूट, हम नहीं मानते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी। दोस्तों, याना मीर ने यूके की संसद में कहा है कि पाकिस्तान की मलाला को आतंकवादियों के डर से पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन कश्मीर की जनता कश्मीर में सुरक्षित है और इंडिया की सरकार कश्मीर का विकास करने का पूरा प्रयास कर रही है।